प्रदेश पच्ची तो बाद अगे वध्दे ते हुण गल एयरपोर्ट की। जी हां, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट च अमृतसर कौमांतरी हवाई अड्डे ते हिसार हवाई अड्डे बारे सुनवाई हुई, जिस ते अदालत ने केंद्र ते एयर इंडिया अथॉरिटी तो जवाब मंगिया। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल नूं होवेगी। अमृतसर के गुरु रामदास हवाई अड्डे तो अंतरराष्ट्रीय उड़ाना घट किए जाने के मामले से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एयर इंडिया तो जवाब तलब किया। अमृतसर विकास मंच के वकील ने अदालत नूं दस्या कि टोरंटो ते बर्मिंगम जाने वाले 60-90% लोग पंजाब दे नाल संबंधित ने, पर बावजूद इसके उन्होंने दिल्ली तो जाके फ्लाइट फड़नी पैंदी है, जिस नाल उन्होंने समय ते पैसे दोवां दी बर्बादी हुंदी है, जिस ते अदालत ने एयर इंडिया तो जवाब तलब की है। जितने भी पैसेंजर्स गए हैं बर्मिंगम के लिए, उसमें से 90% अमृतसर से गए हैं, सिर्फ 10% दिल्ली के लिए गए हैं। अगर टोरंटो से देखें तो टोरंटो के लिए भी और टोरंटो से जो इधर आए हैं उसमें से भी 60% हैं दे आर वो सारे हैं अमृतसर के, सिर्फ 40% है दिल्ली के। अब कोर्ट ने ये हमने कोर्ट से ये पूछा कि इन्होंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, इन्होंने फ्लाइट अमृतसर से दिल्ली के लिए क्यों शिफ्ट कर दी, दिल्ली से क्यों शिफ्ट कर दी फ्लाइट बर्मिंगम के लिए, जबकि ज़्यादा पैसेंजर तो इधर से हैं। अमृतसर विकास मंच के वकील ने अदालत नूं यह भी दस्या कि 2008 तो पहला अमृतसर हवाई अड्डे तो 80% कौमांतरी उड़ाना उड़ान भरदियां सन, जिन्हां दी गिनती हुण सिर्फ 20% तक रह गई है। कौमांतरी उड़ाना घट होण दी वजह नाल अमृतसर एयरपोर्ट नूं कमाई घट गई है, जिस दे नाल एयरपोर्ट हर साल घाटे दे विच जा रहा है। 1300 कुछ रुपया यूजर डिवेलपमेंट फीस अमृतसर बर्मिंगम फ्लाइट से दिल्ली वाले लेते हैं, और वो जब फ्लाइट अमृतसर में आती है तो वो डोमेस्टिक फ्लाइट का रूप ले लेती है और उसको सिर्फ 150 रुपया अमृतसर में मिलता है। मेजर चंक चले जाता है वहाँ पर। लैंडिंग फीस कौन लेता है? दिल्ली वाले। उत्थे अदालत विच हिसार एयरपोर्ट नूं लैके भी सुनवाई हुई, जिस विच हरियाणा सरकार ने अदालत दे विच मता सौंपिया कि सरकार हिसार दे विच सब तो वड्डा कौमांतरी हवाई अड्डा ते एविएशन हब बनाउण दा विचार कर रही है। इस दे लई 196 एकड़ जमीन पहला ही अक्वायर की गई है, जबकि 3200 एकड़ होर जमीन अक्वायर करन दी योजना है। 3300 एकड़ से ऊपर का जो रकबा है, जो ज़मीन है, वो हिंदुस्तान में तो आप छोड़ दीजिए, वो दुनिया के किसी हिस्से में भी इतनी ज़मीन एयरपोर्ट की नहीं होगी। तो इसीलिए हरियाणा सरकार ने इसको इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट हब बनाने के लिए सरकार से निवेदन किया, केंद्र सरकार से निवेदन किया है, और न्यायालय ने इस बात को बड़ी संजीदगी से लिया। अदालत ने दोवें मामलों की सुनवाई 18 अप्रैल ते पा दित्ती है। जिक्रयोग है कि लंबे वक्त तो अमृतसर एयरपोर्ट तो सीधियां कौमांतरी उड़ाना शुरू किए जाने की मांग की जा रही है। उधर 2014 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार एयरपोर्ट को कौमांतरी एयरपोर्ट में बदल का ऐलान किया, पर अजे तक ये दोवें मामले निपरे नहीं चढ़े ने। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।